इंडिया के मैप के पास बसा हुआ एक देश जिसे मैं समझती थी कि वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है, बट जब टेस्ट में नंबर जीरो मिले तो समझ अच्छे से आ गया कि अंडमान निकोबार इंडिया के अंदर ही आता है। सो गाइस, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने सिर्फ और सिर्फ सुना था और नक्शे पे देखा था। हर रात की तरह ये सोने की खुशी है या ट्रैवलिंग पे जाने की खुशी है तो यही जानते हैं। तो आज की रात हमारी काली होने वाली है, तो काली रात के लिए फटाफट तैयार होना बनता है। नींद नहीं आ रही तुमको? नहीं। आपको आ रही है? नहीं। तो रात के बजे अभी 12:30 और रात काली करने में ना हमें अत्यंत ही आनंद आ रहा है। मुझे मालूम है ये वेस्ट कपड़े हो जाएंगे फ्लाइट से उतरते। दिल्ली की ठंड किसी हिल स्टेशन से कम नहीं होती, इसका अंदाजा आप मेरे ऊपर लदे हुए कपड़ों को देखकर लगा सकते हो। हमने 12 घंटे में बस 3 टोस्ट खाया बैंगलोर। टैक्सी हमारी आ चुकी है और सामान लोड होते ही हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। और लकीली एयरपोर्ट पहुंचते ही मुझे मम्मी पापा भाई भाभी सब दिखाई दे गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। बस फिर हमने चेक इन कराया और ठूस ठूस के रात के 3 बजे मैकडोनल्ड का बहुत सारा खाया। भूख नहीं थी पर कुछ खाने का मन कर रहा था और ऐसा खा लिया, क्योंकि इनके लिए लिया था, इन्होंने खाया नहीं तो वेस्ट कर नहीं सकती, तो बचा कुचा सब मुझे खाना पड़ा। और फिलहाल अभी मुझे लग रही है बहुत तेज वाली गर्मी। अभी भी नहीं आई निन्नी, ये तो बिल्कुल नहीं छोएगा आज, है ना? तो गाइस, टाइम हो चुका है बोर्डिंग का और सुबह के बजे हैं 5। कैन यू बिलीव कि हम में से किसी एक को भी नींद नहीं आई, बिकॉज वी ऑल आर ट्रैवल लवर। सो फ्लाइट में हमें खाने वाला इडली सांभर सामक के चावल योगर्ट एंड पफ थोड़ा मैसी हो रखा है, फैल भी गया, बट इट्स ओके क्योंकि गीली सब्जी फ्लाइट में सर्व करते हुए गिर जाती है। लेकिन सर्दी में मैं पानी नहीं पी पाई तो सारा पानी मैंने यही फ्लाइट में पी डाला। हम पहुंच चुके हैं, गर्मी बहुत ज्यादा थी, थोड़ा इरिटेट हो रहे थे टैक्सी का वेट करते हुए क्योंकि भैया ने बहुत ज्यादा वेट करा दिया। बस ले दे के लग रहा था कि यार फटाफट जल्दी से वूलन उतारो और समर वाले कपड़े पहनो। जितनी बार भी हमें घूमने के लिए टैक्सी या फेरी चाहिए होगी वो सब हमने दिल्ली से ऑलरेडी बुक किया हुआ है। क्या करने वाले? I don't have any idea, जो सब कुछ किया है भाई ने प्लान किया है। क्या बात है? तो ये हमारा होटल है। मुझे ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट से होटल बहुत दूर होगा, बट 2 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। गाइस, आ चुके हैं हम 3 दिन बाद अपने। मम्मी आते ही थक गई है, गर्मी लग रही है ना बहुत ज्यादा, सर्दी गर्मी हो गई। सो भाई कांड हो गया, होटल हमारा ये वाला नहीं था, दूसरा था। जो होटल में बुक किया था, जिस होटल में अभी हम पहुंचे हैं उसका नाम सेम होने की वजह से टैक्सी वाले भैया को कंफ्यूजन हो गया था। भाई कॉलोनी पे हॉस्पिटल जो बातू बस्ती हॉस्पिटल कॉलोनी आपने सबकी जैकेट है, क्या हो गया? यहाँ पहुँच के कैसी वाली फीलिंग आ रही थी, कांट एक्सप्लेन, मुश्किल से ले देके तो पहुँचे ही थे। टाइटा फिश हो गई हमारी, एक्चुअली हमारा होटल ये नहीं था, कोई बस्ती में है। भगवान, बस्ती के नाम से मुझे डर लग रहा है कैसे होटल होने वाला है। भैया वो वाला होटल इससे अच्छा है या इससे बेकार है? इससे अच्छा है या इससे बेकार है? होटल दिल्ली से बुक हुआ था, टैक्सी वाले भैया का ना जवाब देना थोड़ा मुझे डरा रहा था। ये अच्छा है सामने ये वाला होटल थोड़ा। मम्मी ने तो पजामा ऊपर कर लिया क्योंकि जो है बहुत गर्म सूट है। बस अब रुका नहीं जा रहा, जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी हो और हमें हमारे रूम की कीज मिल जाए। सो लिफ्ट का साइज इतना है, इसमें तो मैं ही आऊंगी अकेले। आजा नाना भी आ जाएगा। यहाँ तो मैं पैदल दबाने वाली हूँ। होटल का एम्बियंस उतना अच्छा नहीं था बट रूम से मैं क्वाइट हैप्पी थी। तो ये हमारे 1, 2, 3 रूम्स हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं अंडमान। आप प्लीज अंदर आइए थोड़ा ताकि मैं दरवाजा बंद कर सकूं। और किसी ने फैन बंद किया? यस किया। तो यहाँ पर एक क्यूट सा बेड है। सो गाइस, मैं नहाने जा रही थी क्योंकि ना मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म है, ऊपर से मैंने गर्म गर्म कपड़े भी पहने हैं। और जाने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगी। एक्चुअली क्या है ना, विंटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्किन ड्राई हो जाती है, स्कैल्प इची हो जाती है और डैंड्रफ हो जाती है। इसके चलते ना बहुत सारे लोग ना DIYs होम रेमेडीज ट्राई करते हैं, जैसे कि लेमन जूस, जिंजर, ताकि उनको ड्राइनेस, डैंड्रफ और इचीनेस जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। बट ये इतना आसान नहीं होता और साथ साथ बहुत ज्यादा मैसी भी होता है। आप लोगों को ना इस बड़ी सी प्रॉब्लम से ना बहुत जल्दी छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ममा अर्थ के लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद लेमन एंड जिंजर। सो गाइस, लेट मी टेल यू कि मेरे बालों में ना बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो गया था और रिसेंटली मैंने शैम्पू यूज करना स्टार्ट किया, तो अभी डैंड्रफ कम हो गया। आई डोंट थिंक सो कि अभी विजिबल भी होगा। यू नो, मार्केट में मिलने वाले जो दूसरे एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं ना, उससे हमारे बाल बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हो जाते हैं और डल भी हो जाते हैं। बट ममा अर्थ का ये लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू ना अप टू 100% तक रिड्यूस करता है डैंड्रफ को और बहुत इफेक्टिव है और कोई हैजल भी नहीं होता।
तो मैं चली नहाने। दिस रेंज इज मेड विद लेमन विच इज अ वेरी पावरफुल एंड हर गो टू इंग्रेडिएंट्स टू क्योर टेंड्रम ऑल्सो गिव्स अ सूथिंग फीलिंग टू द ईची स्कैल्प। जिंजर इन द शैम्पू हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज विच मेंटेन्स स्कैल्प हेल्थ। इट इज इफेक्टिव एंड रिड्यूस डेंड्रफ। तो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई मामा अर्थ का लेमन एंटी डेंड्रफ कंडीशनर। सो गाइज मैं तो नहा चुकी हूँ और मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। एंड लेट मी टेल यू कि मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स ना हार्मफुल केमिकल फ्री हैं एंड ऑल नेचुरल है। यू कैन यूज माई कूपन कोड DE2023 टू गेट 20% एक्स्ट्रा ऑफ एट mamaearth.in। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन मामा अर्थ वेबसाइट, मामा अर्थ ऐप, पर्पल, नायका, एमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। वेन एवर यू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम मामा अर्थ दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू द ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है। मामा अर्थ हैज लॉन्च दियर ऑफिशियल ऐप। यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू द सेल्स एंड गेट्स एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको एमेजोन, पर्पल, नायका और फ्लिपकार्ट पर तो मिलेंगे ही, साथ साथ मामा अर्थ के नियर बाय स्टोर पर भी मिल जाएंगे। और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम मामा अर्थ का कोई स्टोर दिखाई देना तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस ये वाले जो शैम्पू कंडीशनर का लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं चली रेडी होने के लिए। अगर गर्मी ज्यादा लगे तो यू कैन यूज दिस अम्ब्रेला, बड़ी वाली है। सो गाइज अब हम रेडी होकर निकल चुके हैं होटल से। और हमने ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं किया होटल में क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा था। 250 रुपए का एक पराठा था। अगर हम 10 पराठे भी खाते 2500 रुपये के हो जाते। और एक परांठे से मेरे जैसे बंदे का तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिलहाल अभी हम पहले कुछ पेट पूजा करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सेलुलर जेल। तो एक्चुअली पहले हम 26 जनवरी को जाने वाले थे सेलुलर जेल, बट अब हमने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया है बिकॉज 26 जनवरी को क्या पता बंद हो या कुछ परेड वरेड निकल रही हो या कुछ हमें परमिशन ना मिले जाने की, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, सब मुझे छोड़ के चले गए हैं। भैया ले देखे मुश्किल से हमें इकलौता रेस्टोरेंट दिखाई दिया है और यहाँ पर ही मुझे अपने आप में डरा रहा है, कोई क्यों नहीं आ रहा है यार। आप बताइए सर क्या खाना है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। कुछ लग रहा धुआं, क्या क्या मिलेगा इस टाइम खाने में? एक्चुअली हमें ऐसा लगा कि अगर हम यहाँ पे ऑर्डर देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये लोग दूसरा देखने गए थे। ये मिक्स वेज है, चपाती, ऑनियन, दाल और रायता। तो खाना खाकर हम पहुंचे सेलुलर जेल तक और यहाँ पहुंचने में ऑटो में लगे हमारे 150 रुपए। काले पानी की सजा एक ऐसी सजा हुआ करती थी जिसके नाम से ना हर कोई कापा करता था। तो मैं बात कर रही हूँ सेलुलर जेल की। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को लेकर आ चुकी हूँ अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर ये सेलुलर जेल है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री चार्ज जो है 30 रुपीज पर पर्सन है, और अगर आप कैमरा यूज करना चाहते हैं तो 200 रुपीज है फॉर द वीडियोग्राफी। जेल के अपने खुलने और बंद होने के टाइम है सुबह 9 से 12 बजे तक, 12:30 से 1 बजे तक लंच होता है, देन अगेन जेल खुलता है 1 से 4:30 बजे तक। अगर मैं बात करूँ जेल के आसपास की सराउंडिंग्स की तो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन है। अंदर चलते हैं। इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी और 1906 में ये जेल बनकर कैदियों द्वारा तैयार हुई थी। तो बेसिकली इस जेल का निर्माण ना अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेनानियों को सजा देने के लिए किया गया था। जेल के अंदर कुल मिलाकर 698 कमरे हैं और कमरों को इस तरह से बनाया गया था कि एक कमरे के अंदर 3 मीटर के बाद जंगला छोड़ा गया था ताकि एक कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए भयानक होता था। इस जेल में ना जाने कितने भारतीयों को फांसी दी गई है, इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर जाते थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं भी मौजूद नहीं है। इस जेल को बनाने में 10 साल का समय लगा था और 8 लाख रुपए लगे थे। अभी हम थोड़ी देर बाहर रुकेंगे क्योंकि हम वेट कर रहे हैं गाइड का। पूरा जेल देख रहे हैं, हाथ से कैदी ने बनाया। अत्याचार फैक्ट्री कहाँ जा रहा है गट्टू? क्या ये कोलू? डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रिक से अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को टॉर्चर करते थे, जैसे कि तेल निकालने वाला मैनुअल कोलू। 8 घंटे कंटिन्यूस कोलू को चलाया जाता था, अगर कोई रुकता था तो कोड़े पड़ते थे, और शाम को जब तेल ना बच जाता था, अगर तेल कम निकला तो भी कोड़े पड़ते थे। प्रेशर में तेल जल्दी निकलेगा तो प्रेशर में क्या होगा तो हमारे बैंड हो जाएगी, तो पेन होगा, आदमी पेन में क्या करेगा और जल्दी का, इसको बोलते हैं वेट पनिशमेंट बोलते हैं। इस तरह फैक्ट्री 4 है, 7 ब्लॉक में 4 फैक्ट्री है, हर ब्लॉक में बाथरूम फैक्ट्री बना हुआ है। जो फांसी की रस्सी है वो कैदी अपने हाथ से बनाएंगे, नल के छिलके से बनेगी, पूरा मारेंगे ये फाइबर निकल जाएगा, ये फाइबर निकल जाएगा, डालेंगे पानी में सॉफ्ट होगा तो रस्सी बनेगी, तो फांसी में रस्सी एक बार यूज करते हैं। इट्स वेरी पेनफुल कि कैदी को अपनी फांसी की रस्सी खुद से तैयार करनी पड़ती थी और ये रस्सी सिर्फ एक ही बार एक ही फांसी के लिए यूज की जाती थी। एंड द अनदर टेक्निक ऑफ टॉर्चरिंग इज ऑयल मिल। यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है, तो तरीका क्या है, हैंडल दबा के ऐसा घुमाना है, हैंडल छोड़ा
यहाँ के बच्चों को इंडिया में अनमन कोटा फ्री एजुकेशन है। बोरे जैसे फैब्रिक से बने कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कपड़े कैदी को पहनाए जाते थे जिन्हें खुजली वाले कपड़े कहा जाता है। कैदी जैसे ही इन्हें पहनते थे खूब खुजली होती थी और फिर अंग्रेज हंसा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। ये भी टॉर्चर के लेवल है जहां दोनों हाथ पैर और गला बंधा हुआ है, दूसरे में पैर खुल गए हैं और गला बंधा है, और तीसरे में पैर खुल गए और गला भी खुल गया। जिन लोगों पर अंग्रेजों को विश्वास हो जाता था या उनके प्यारे हो जाते थे तो लेवल ऑफ टॉर्चर थोड़ा कम कर दिया जाता था। इतना टॉर्चर किया जाता था तभी इसे फैक्ट्री ऑफ पनिशमेंट के नाम से जाना जाता है। काला पानी का भाव संस्कृत शब्द काल से माना जाता है जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु, यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है जहां से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेलुलर नाम दिया था। पहले जमाने में इंडिया में हम लोग क्या बोलते फांसी को टू बी हैंग, अभी क्या बोलते हैं टिल्ड। अंग्रेज के दिमाग में आदमी को आराम से मरना चाहिए, तो ये आखिरी के चार कमरे सारे कमरे एक जैसे हैं, 13x6 इनमें जो आएगा फांसी कन्फर्म चार कमरों में। तो ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे फांसी के लिए लोगों को लटकाया जाता था। लेट मी शो द नीचे वाला पार्ट। ओ भाई ओ यहाँ से देख पंकज, ये छोटा सा दिखने वाला रूम ना कितने सारे लोगों की जान ले चुका है। अगर लकड़ी की बात करो तो आज भी वैसी की वैसी ही है। तो ये एग्जैक्टली वहां से लीवर खींचा जाता था, ये फट्टे खुल जाते थे और बंदा यहाँ पे हैंग हो जाता था। यस देख रहे कितने लोग मरे होंगे इसमें। देखने में सारे रूम का साइज सेम है, 18x15। ये देखो पुरानी कुंडी आज भी दिख रही है। यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ से बस रोशनी आती थी। कुंडी यहाँ पर है, इसका कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे लगती है अगर कोई निकलना चाहे तो भी वो ताला नहीं खोल सकता क्योंकि कुंडी इतनी दूर पे लगाई गई है। तो ये वाला लॉजिक जो है ना मैंने पहली बार देखा है। देखो एक बार आप पकड़ के देखो, अच्छी लुक होगी। तो बेटा भारी होता था पहले सामान है। गाइड भैया हमें बुला रहे। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जो चारों तरफ चार दीवारी है ना वो बहुत ही छोटी बनाई गई है जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता है। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकल कर भाग जाना लगभग नामुमकिन था। तो अभी हम जा रहे हैं अंडमान के पुराने दिनों की दीर्घा। ओ यार फुल एसी चल रहा है। पहले जेल ऐसी दिखती थी और तूफान सुनामी के चलते ना तीन इस तरह की रोज टूट गई, अब खाली तीन बची है। अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी लाइफ ज्यादा टफ है, बट इन लोगों का जो स्ट्रगल देखा ना, इन लोगों को जो पेन दिया अंग्रेजों ने भाई साहब, उससे ज्यादा टफ कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पत्थर पर कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे हैं। कुछ लोगों को जब जेल से छोड़ दिया जाता था तो वो थोड़े टाइम बाद वापस आ जाते थे। जब उनसे पूछा जाता था रीजन तो उनका जवाब बहुत ही प्यारा होता था कि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए वापस आए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर टावर में एंड मैं आपको ब्रिज दिखा देती हूँ। जो पहले ब्रिज हटा देते थे, ये वाला ब्रिज है, हटा देते थे ताकि कोई कनेक्शन ना रहे इस वाली रो से उस वाली रो का रात के टाइम पे। तो एक रो, दो रो, तीन रो, सो अभी तीन रो बची है, बाकी की तीन रो जो है टूट चुकी है सुनामी के चलते। एंड मैं एक बार व्यू आपको दिखाती हूँ चारों तरफ से कैसा दिखाई देता है। अगर जहाँ भी हम नजर घुमाएंगे ना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पानी पानी है। गाइस आपको एक चीज देखो, वहाँ पे देखो कितना ब्लू है, बीच में एक जगह ना बहुत ब्लू ब्लू अलग सा पानी दिखाई दे रहा है। देखो विनायक दामोदर सावकर और बाबा राव सावकर भाई थे और लगभग 2 साल तक उन्हें पता ही नहीं चला कि दूसरा भी उसी जेल में बंद है। तारे तो मतलब इतना अंधेरा देख के आपको क्या लग रहा होगा कि रात के 10 बज गए हैं? नहीं गाइस 10 नहीं बजे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी बजे हैं 5:45 और 5:45 बजे ना यहाँ पे एकदम दिन ढल गया है। आसमान इतना क्लीन है कि 6 बजे ही ना तारे दिखाई दे रहे हैं। खाना खाने के लिए हम लोग निकले थे तो रास्ते में हमें मंदिर दिखाई दिया तो सोचा दर्शन कर लेते हैं और मंदिर जाके बहुत ही अच्छी वाइब आई और आप देख सकते हो मंदिर अंदर से कितना कलरफुल है। रास्ते में जाते हुए हमें एक और अच्छी चीज दिखाई दी कि बहुत कम जगहों पर ताले लगे हुए थे, कांच का डोर और सिस्टम ऐसे ही छोड़े हुए हैं। तो फिर जब मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर चोरी का डर नहीं है। तो बस बढ़िया से डिनर के साथ हमने यहाँ पे अपना पहला दिन खत्म किया। मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग के साथ।